और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। कैलकुलेशन मेरा ये चल रहा था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो कब भारत में वापस आएगा। कर्क लगन का चार्ट बनता और एग्जैक्टली वो डेट था 24 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त से थोड़ा दिन आप आगे चल जाइए, अगस्त सितंबर अक्टूबर मुश्किल से 45 दिन आगे आप चले जाइए। 24 अगस्त 1947 को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इस्टेब्लिश हो गया था पूरा, और वहाँ पर भारत ने जो डॉक्यूमेंटेशन साइन हुए थे उसके अकॉर्डिंग उसको विलय किया गया था। भारत का पूरे पोर्शन को विलय करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उस समय चाइना ने चाल चल दिया। और पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जो कि कभी भी नहीं चाहता है कि भारत में स्थिरता रहे, लेकिन अब एक ज़बरदस्त समय आने वाला है। समय सबसे बलवान होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। समय से बढ़कर कुछ नहीं होता, और समय के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप चार्ट बनाते हैं तो कर्क लगन का चार्ट बनता है, मकर राशि का चार्ट बनता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर पूरे ग्रहों की दृष्टि इत्यादि पल्ले नहीं पड़ता है, तो केवल पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात कीजिए। तो अभी होने क्या वाला आप समझिएगा, ये तो 23 नवंबर 2023 से ही केतु की दशा प्रारंभ हो गई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। और 23 नवंबर से जो ये दशा प्रारंभ हुई है, केतु का काम होता अलगाव करना, और मकर लगन की कुंडली में केतु जो है मंगल की राशि में बैठा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो मैं चार्ट देख रहा हूँ उसमें केतु जो है 1 डिग्री 21 अंश का है, तो ओवरऑल केतु की जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि मंगल की राशि में जाकर बैठा है। मंगल वैसे ही तोड़ फोड़, अग्नि, इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाता है, एग्रेसिव प्लैनेट है। और अगले साल आप लोगों को मैंने बताया है कि इस साल मंगल जब नीच के होंगे, सामान्यता जो मंगल होते हैं वो 45 दिन के लिए किसी राशि में रहते हैं, इस बार पहले ये कर्क में जाएंगे, और कर्क में जाने के बाद, और ये 10 अक्टूबर का टाइम होगा एग्जैक्टली जो मुझे याद आ रहा है, 10 अक्टूबर को मंगलदेव नीच के हो जाएंगे। अभी 26 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन में जाएंगे, और सामान्यतः 45 दिन तक मंगल जो रहते हैं वो एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार मंगल जो है पहले कर्क में वक्री होंगे, वक्री होते होते फिर मिथुन में पहुंच जाएंगे, मिथुन में फिर ये मार्गी होंगे, और मार्गी होकर फिर कर्क में पहुंचेंगे। तो कर्क का जो इफेक्ट रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी मंगल का जो प्रभाव रहेगा ऐसे सभी लोगों के लिए जिनका लग्न या राशि कर्क है, उन सभी पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। ये पहला पॉइंट मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। दूसरा, दशा जो है केतु का चल रहा है, केतु पंचम में बैठा हुआ है। एक्चुअली में कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये केतु के अंदर सूर्य चल रहा है, और केतु जहाँ पर बैठा है वहाँ से सूर्य द्वादश पोजीशन पर है। तो केतु से सूर्य का द्वादश में होना, और केतु सूर्य मतलब सूर्य प्रशासन कहलाता है, और प्रशासन के साथ साथ केतु सूर्य से द्वादश में होने के कारण एक वहाँ पर जो कोल्ड वार काफ़ी दिनों से चल रहा था वो कोल्ड वार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और आप याद रखिए कि बीच में ऐसी कोई घटना 2025 में भी होगी जिसमें कुछ टाइम के लिए जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कुछ टाइम के लिए योगी जी को सत्ता संभालना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे कोई भी इशू हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है। ये भी मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, 2025 में ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन जैसे ही योगी जी सत्ता को संभालेंगे उसके बाद अटैक शुरू होगा, और जो दशा चलेगी केतु के अंदर, जो दशा चलेगी सूर्य की, जो दशा चल रही है वो टाइम रहने वाला, मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बताता हूँ, आप चार्ट में देख सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में आप चेक कर सकते हैं। ये डेट आ रहा है 2 जून 2025, और अंत इसका हो रहा है 9 मई 2026। तो 2025-2026 के मध्य का जो समय रहेगा इसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अब भारत में
मिलने के लिए एकदम परेशान रहेंगे, और भारत की जो सेना रहेगी, मंगल की दशा भी भारत की स्टार्ट होगी उस बीच में सितंबर के आसपास। तो इसीलिए जो युद्ध होगा, उस युद्ध के कारण पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो पूरा पार्ट है वो भारत में पुनः विलय करेगा, और साथ में जो निगेटिव जो कंट्री है, जैसे आप मान के चलिए चाइना और पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है, उससे भी हमारी सेना लड़ पाएगी। और उस समय तक जो है पूरी प्लानिंग पहले ही माननीय मोदी और उनकी टीम यहाँ पर कर लेगी। हालांकि विपक्ष जो है इन चीज़ों को लेकर ये चाहेगा कि उनको अपना सत्ता बचाना है, विपक्ष अपना पोजीशन को बचाना चाहता है, लेकिन फिर भी पूरे 5 साल तक मोदी जी राज करेंगे। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं, ये था जो आज का वीडियो था, अब आपके लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोगों के चैटिंग से ही मैं निकाल लेता हूँ। कौशिक मुखर्जी पूछ रहे हैं क्या बीजेपी की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी या नहीं। देखिए 100% चलेगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केवल कुछ टाइम ऐसा आ रहा है, और वो भी जुलाई अगस्त सितंबर तक का टाइम आ रहा है, जिसमें थोड़ी सरकार को परेशानी हो सकती है, लेकिन चलेगी पूरी सरकार। थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा टेंशन हो सकता है, लेकिन सरकार चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। योगी जी प्रधानमंत्री होंगे, देखिए योगी जी ही अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। आप कुछ भी आप समाचार में सुन लीजिए, और जो विरोधी पार्टी के जो पत्रकार लोग होते हैं लगातार जो ये भ्रम फैलाते हैं कि मोदी जी का अच्छा समय ख़त्म हो चुका है, भाई मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री रह जाए, कोई भी 3 बार अगर प्रधानमंत्री रहता है तो एक बड़ा पीरियड रहता है। हम लोग पाकिस्तान की तरह थोड़ी ना है कि 1 साल में सरकार बदलेंगे। 15 साल एक जगह पर राज अगर एक व्यक्ति के हाथ में रहता है तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, ये चीज़ कन्फर्म है, और ये शायद मेरी बातों को आप लोग भी समझेंगे। तो पूरे 5 साल तक सरकार चलेगी, और मोदी जी आगे चल के योगी को ही सत्ता देने वाले हैं, इस पर भी कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद अभिषेक यादव जी का प्रश्न है, क्या सनातन पूरे वर्ल्ड में आएगा। देखिए इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सनातन धर्म छोटा धर्म नहीं है। सबसे पहले अगर कोई धर्म अगर कहा जाए तो सनातन धर्म ही था, लेकिन आज कितने प्रतिशत बचे हैं? मैं रियलिस्टिक फिगर की बात करूँगा, केवल 13% हिंदू पूरे विश्व में बचे हुए हैं, और पूरे विश्व का अगर 90% हिंदू देखा जाए तो वो हमारे देश भारत में ही है। इसके अलावा हिंदू राष्ट्रों की श्रृंखला में भारत और नेपाल आते हैं, हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं। इसके अलावा बाकी जगह माइनॉरिटी के रूप में हिंदू है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। पूरे अखंड भारत की बात किया जाए, जैसे पहले था जो एरिया, आप लोगों को पता होगा पहले भी बता चुका हूँ, ईरान का जो एरिया था, उसके बाद अफगानिस्तान का एरिया, इवन जो शकुनी थे महाभारत में, जो शकुनी थे उनका जो जन्म हुआ था वो भी वहीं पे हुआ था। गंधर्व नरेश का जो समय था वो अफगानिस्तान वाला ही, और पाकिस्तान का कुछ पोर्शन आता था। तो काफ़ी अखंड भारत बहुत पहले से ही था, और साथ में तिब्बत था, म्यांमार था, बांग्लादेश तो अभी आज़ाद हुआ था 1971 में, और इसके अलावा थाईलैंड और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी मैं कंसल्टेशन के लिए गया था, और वहाँ पर बाली द्वीप जो है वहाँ पर पांडवों के बारे में भी बहुत ज़्यादा समझा। तो काफ़ी लंबा फैला हुआ अखंड भारत, और पूरा अखंड भारत अगर पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो वो टाइम अभी भी लगेगा। एक तो कन्फर्म है कि आने वाला समय जो है वो हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, लेकिन इनके लिए सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि जो दोगुले हिंदू हैं, यानी दो मुखी बात करने वाले जो हिंदू होते हैं, मैं उन्हीं हिंदुओं की बात करते हैं, दो मुखी बात करते हैं, दिल से तो हिंदू हैं लेकिन दिमाग और फाइनेंस से कुछ और बन जाते हैं, आप लोगों को पता होगा मैं कि इनके बारे में बात करता हूँ। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोग अपने देश में ही जब वो सत्ता को नहीं ले आ पाते हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि ऐसे लोग के रहने से
हम अपने राष्ट्र में ही केवल हिंदुत्व को बनाकर रखें, ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। और अखंड भारत को बनाने के लिए कम से कम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। 7 बजे सोमवार को अवेलेबल रहूँगा, जिसमें निःशुल्क आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, और आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आपके कमेंट हैं मैं एक बार ज़रूर पढ़ूंगा, उसमें जो उचित लगेगा उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।